परम सत्कार योग मेरे बहुत ही प्यारे किसान दोस्तों, मेरिया सत्कार योग भैणा, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वैसे तो अज स्टेज आ जड़ी सद्भावना लैके आस पड़ोस के जोड़े साढ़े वीर ने उन्होंने चलानी है, उन्हों की है। मैं तो सिर्फ आप जी के दर्शन करने वास्ते इतने हाजरी भरनी आया सी, लेकिन एक मैं सुनेहा भी देने की लोड़ समझदा ये देते अज का जोड़ा मौका है, क्योंकि सरकार ने कल का बहुत सारा अखबारों के एक हौआ खड़ा किया है। करोना दियां गल्लां कर रही है सरकार, ते नाल इहो जी प्रचार शुरू किया होया कि इस अंदोलन नू उठाया जा सकता है। इन्ना समा देवांगे, पहला असी गलबात करांगे, अगर गलबात नाल नहीं उठणगे तो फिर इन्हां दे उत्ते असी बल प्रयोग करांगे, जिहियां गल्लां अखबारां दे विच छप रही हैं। मेरे दोस्तों, पहली तो गल ये है कि अंदोलन सरकार भी जानती है कि यह अंदोलन जिथों तक पहुँच गया है, इत्थे किसानां नूं छेड़ना सरकार लई बहुत कठिन काम होएगा। अगर सरकार किसानां नाल छेड़छाड़ करेगी तो समझ लो अपनी कबर आप खोदन वाली गल करेगी सरकार। दूसरी जिहड़ी गल है, अजिहियां जदों गल्लां हुंदियां हुंदियां, क्योंकि साडा भी जिंदगी दा लंबा तजर्बा हो गया, कई बारी घोलां दे विच अजिहा कुछ हुंदा वेख्या है। ये सरकारां हमेशा तुसीं तुहाडे चों बहुत सारयां नूं पता होएगा, एक इंजैक्शन आया सीगा पेनसिलीन, जदों पेनसिलीन दा टीका किसी नूं लाउणा हुंदा सी ना, ते डाक्टर पहला थोड़ा जिहा ला के वेखदे सीगे वी इहदा रिएक्शन की आउंदा है, ते जे तां रिएक्शन नहीं कोई आया ठीक है ते टीका लाता, ते जे रिएक्शन आ गया ते टीका नहीं लाया। सो ये एक तरह का बयानबाजी दे नाल उन्होंने टीका लाने की कोशिश की है, उन्होंने देखा है, क्योंकि आप सारे किसान जिहड़ा खेती नाल जुड़े लोग हैं उन्होंने पता सी इस गल का कि इन्होंने दिनों आप खुला ऐलान किया है कि साढ़े किसान हुण खेती का कम संभालणगे आपदा, और उन्ने समय के लिए इत्थे रूटीन वाइज गेड़ा ला के आपदा रोटेशन बना के इस मोर्चे नूं भी सांभणगे। पता इस गल का सानू भी पता, सरकार नूं भी पता सी, और उस समय का मौका उठाउण दी तांग चा सरकार नाल करोना एक इन्हां दा जिहड़ा छड्या होया षडयंत्र है उहदा बहाना बना के ये करन दीआं तांग दे विच आ सरकार। पर ये जरूर आ गल कि ये एक्शन दा रिएक्शन वेंदी आ सरकार। मेरी हथ बन के बेनती है, जिन्ने मेरे वीर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, हुण इहनूं रिएक्शन विखाउण दी लोड़ है। रिएक्शन विखाउण दा भाव कि जेकर असी रूटीन वाइज एक पिंड तो पहला पंज आदमी रोटेशन दे नाल आ रहे हैं, तो हुण 15 दी बजाए उस पिंड तो 20 आदमी आने शुरू कर देण, वह रिएक्शन हो जाएगा। सरकार नूं घट्टो घट्ट पता लग जाएगा कि लोग जागदे आ, लोग सुते नहीं, क्योंकि कल जदों दी ये खबरां चलियां है उदों तो ही मेरा ख्याल है 40 दे करीब टैलीफोन 10 नूं आ गया, ते जिहड़े बाकी लीडर साहिबान फिरदे उन्हां नूं पता नहीं किन्ने आए होणगे जिन्हां ने तैयारी करनी शुरू कर ली है मगरों। वह मेरा ख्याल है अज रात तिकर या कल सुबह तक उत्थों मगरों साढ़े किसान इत्थे पहुँचने शुरू हो जाएंगे, और आपां ये जिहड़ा पंडाल है जिहड़ा ये साढ़े तंबू ने अज इत्थे दोबारा एक बार फिर समय छड्ड दिओ, उस गल नूं साडी कणक खराब हुंदी आ होण दिओ, साडी तूड़ी नहीं बनी ना बने, अज दस दिओ सरकार नूं कि तुहाडे एक्शन दा रिएक्शन आए, असीं आपदे कानून रद्द कराउणे आ, चाहे कुछ भी हो जाए साडी खेती बर्बाद हुंदी आ बर्बाद हो जाए। अगर सरकार इत्थे मोर्चे दे प्रति कोई गलत सोचती है तो किसे कीमत दे उत्ते असी इस मोर्चे प्रति सारा पूरा देश असी इहदे लई
संजीदगा संजीदगी नाल सोच रहे हैं और संजीदा है और बिल्कुल इस मोर्चे तो किसी नूं टस तो मस नहीं होण देंगे, सरकार नूं छेड़छाड़ नहीं करन देंगे सरकार नूं। ये साडी लोड़ अज समय की, अज परख की घड़ी है, साडे किसानां दी परख की घड़ी है, उस घड़ी दे विच पूरे उतरन की लोड़ है। कोई इन्हां गल्लां नूं हुण सोचण की लोड़ नहीं। मेरे आप दे भी खेती है और मेरा बेटा पिंड सीगा वह आ चुका सुबह, अज मतलब आ जाना उन्हें, चल पे ने उतों काफला लैके, वो सुबह तक इतने टिकरी बॉर्डर के उत्ते आते होंगे, वो टिकरी बॉर्डर के उत्ते सारे पिंड की गिनती सारी की सारी लैके आ रहे हैं। सो साडी बेनती है कि वह जिहड़ा इन्होंने आपां नूं छेड़छाड़ करन दी अपने ते टीका ला के वेखन की कोशिश की है, वह इन्हों का रिएक्शन पूरा करन दी लोड़ है मेरे दोस्तों, तकड़े होवो। दूसरी जिहड़ी गल है करोना के उत्ते तो बहुत सारे वीर बोल गए ने, हरियाणवी वीरां दी तां जिहड़ी बोली है ये बड़ी प्रभावशाली हुंदी है, इन्हां दी गल सुणन दा बड़ा आनंद आउंदा है जदों वे गल करदे ने। और मैं कहां मेरे दोस्तों जदों तां बंगाल दे विच दस के गए आ वीर, कल हजे मोदी एड्डी वड्डी रैली करदा है ते ये कहिंदा है ना आपदे मास्क है ना लोकां दे मास्क है, ते लोकां दी कोई डिस्टेंस मेनटेन नहीं, उत्थे बैठे ने लोग जदों, ते प्रधानमंत्री पता की गल कह रहे ने, भाषण सुनियो, प्रधानमंत्री कह रहे ने ये हमारे और आपके सौभाग्य की घड़ी है, क्योंकि कोरोना उत्थे किधर गया सी, उत्थे तां सौभाग्य की घड़ी है, और इत्थे अगर देश दे लोग आपदी रोजी की खातर अपने बच्चों के भविख की खातर लड़न वाले लोग मोर्चे च बैठे है, और उन्होंने भी मौके पर कह रहा है कि करोना फैल रहा है, वह मेरे दोस्तों केवल एक यही गल है जिहड़ी बार बार साढ़े सारे लोगों के मूँहों एक गल कढ़न लई मजबूर करती है कि करोना केवल एक षडयंत्र है, केवल एक षडयंत्र और बहुत बड़ी पद्धर का षडयंत्र है जिहड़ा आर्थिक लुट करन वाले लोगों नूं मौका देण दे लई। मेरे दोस्तों पिछले समय तुसीं देखिया जदों करोना का बहाना बना के लॉकडाउन करके देश के लोगों नूं अंदर ही बंद करके ये काले कानून लैके आए, और जिहड़े साडे मजदूरों के प्रति बहुत घातक कानून लैके आए, जिहड़े कदे मजदूर बेचारा मंग करदा सी कि साडा कम थोड़ा रैला किया जाए, और इन्होंने की किया है 8 घंटे की बजाय वह कम 12 घंटे का करता कानून के विच। मेरे दोस्तों सारिया इस काले कानून घड़न की खातर और जिहड़े कारपोरेट लोगों ये मजदूरों के उत्ते राज करवाउण दा एक षडयंत्र के तहत ये करोना वर्ल्ड दे विच नहीं देश दे विच फैलाया गया, जिहदे तहत ये कानून आए ने, और अज फिर दोबारा उन्होंने कानूनों के उत्ते लड़न वाले लोगों दोबारा अंदर आपो अपने घर टैंपरेरी जेल बना के बंद करन दी शा चाल है, एक षडयंत्र है जिहदा असीं डट के विरोध करना है और कर रहे हैं। तो मेरी आखिर दे विच यही बेनती है मेरे दोस्तों, आपो अपने घर आपो अपने पिंडां दे विच सनेहा लाओ कि इस मोर्चे नूं दोबारा फिर उन्हां हालातों के लैके जाना है जिन्हां हालातों के असीं शुरू किया सी। बस इन्नी बेनती मेरी प्रवान करो, अंत तिकर जिहड़े मेरे वीर बैठे हो विश्वास दवायो इस गल का कि आपां इस गल लई जिहदा सहमत है कि मोर्चे नूं तकड़ा करना है, तो हथ खड़े करके प्रवानगी दिओ मेरे वीरो। सत श्री अकाल। रात भी असी लगभग अद्धी रात नूं अपने IT सैल के उत्तों लाइव होकर बेनती की है लोगों नूं, सारे किसान लीडर बेनती कर रहे ने, सो तुसी भी आपो अपनी जिम्मेवारी समझनी, आपां इह नहीं सोचना कि जिम्मेवारी कल्ले लीडरां दी है, अपनी सारयां दी जिम्मेवारी है, मैसेज लाओ मगर पिंडां दे विच गुरद्वारा साहिब दे स्पीकरां तों बुलाओ, लगातार जोर ला के गिनती नूं इत्थे दोबारा यह सारे का सारा पंडाल है जिहड़ा ये भरिया होवे, जिहड़े साडे तंबू ने भरे नजर आउण, पता लगे कि उही चहल पहल उही मोर्चा उही बुलंदियां दे विच मोर्चा जा चुकिया है, ताकि सरकार की हिम्मत ना पवे। हिम्मत तो वैसे पैनी नहीं, मैनू इस गल का गरंटी है, तसली है, पर 0.5% अगर कोई चांस भी है तो वह भी सरकार नूं तुहानूं छेड़न का मौका ना मिल सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।